अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग किड्स फ्रेंडशिप स्ट्रगल्स। बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं बुली हो रहे होते हैं, फ्रेंड्स के सर्कल्स बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड जब वो एक स्कूल में जाता है। पहले बहुत सारी फ्रेंडशिप होती हैं विद, आई थिंक इट्स जस्ट नॉट विद द किड्स, इट्स विद एवरी वन। फॉर एडल्ट ऑल्सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट स्ट्रगलिंग विद फ्रेंड्स। अच्छा, कहा जाता है फ्रेंड्स कौन होते हैं? फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ हों। हैप्पी आवर फ्रेंड्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन आपके जो सॉरोज में, आपके डाउनर्स में, आपके प्रॉब्लम्स में आपके लिए खड़ा है, वो आपका दोस्त है। आजकल क्या हो गया है कि वाई पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज ट्रस्ट होल्ड नहीं होता लोगों का। लोग आपकी बात सुनते तो हैं, बट देन दे यूज़ अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, आपकी वीकनेसेस को अगेंस्ट आपके यूज़ करते हैं कि अच्छा ये बंदा इस चीज़ पे चिढ़ता है या इसकी ये वीक पॉइंट है, तो चलो हम इसी से इसको एक हथियार बना के इसी पे टारगेट कर लेते हैं। वही इंसान उसी चीज़ को लेके आपके अगेंस्ट चला जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि यू बैक ऑफ, यू डोंट फील लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू देम। फिर आपने देखा होगा सुसाइडल लोग हो जाते हैं, और बहुत से लोग सुसाइड कर भी लेते हैं बिकॉज उनके पास सुनने वाले लोग जो हैं वही आपको जज करने लगते हैं। आप खुद कोई चीज़ कर रहे हो वो ठीक है। सो पीपल हैव बिकम रियली सेल्फिश कि वो आपकी बात सुन के भी वो आपके साथ नहीं होते, और आपकी ये जो स्ट्रगल है वो सिर्फ आपके लिए अकेले है। आपका, आपकी फ्रेटर्निटी में, आप जहाँ काम कर रहे होते हो, आपकी काम वाली जगह पर, या कहीं भी आजकल सिर्फ एक वो है, लान तान है या खींचम, एक होता है ना पुल करना, लेग पुल करना, कि अच्छा ठीक है आप अपना किसी को जाके बताओ, परेशानी बताओ, वो आपके ही अगेंस्ट यू। इसी तरह बच्चे, क्योंकि ये चाइल्डहुड से चीज़ स्टार्ट होती है, कि बच्चे को आपको ये बताना चाहिए कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर एम्फेसाइज करती हूँ कि आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई भी शायद आपके लिए उस तरह नहीं खड़े होते, आपके पेरेंट्स जो होते हैं, आपकी माँ सबसे पहले, वो आपको ये बताए कि मैं तुम्हारे लिए बैठी हुई हूँ, कोई दोस्त की ज़रूरत नहीं। आप दोस्त ज़रूर बनाएं, लेकिन जब कन्फाइड करना हो, जब अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो, अ चाइल्ड शुड नॉट गो हेयर एंड देयर, ही और शी शुड जस्ट कन्फाइड अपनी माँ में। ये आज हम बात करेंगे बच्चों पे, कि बच्चे अपनी फ्रेंडशिप्स को लेके कितना स्ट्रगल कर रहे होते हैं और कहाँ कौन कौन सी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। देन गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी IBA से यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं। हम IBA के बारे में सब जानते हैं, आई डोंट हैव टू टेल यू व्हाट इज़ IBA। हमारे एक ड्रीम होती थी हमेशा, मैं ये बात करती हूँ कि व्हेन वी वर इन कॉलेज, हमारा कॉलेज होता था सदर में सेंट जोसेफ्स, और हमें ये होता था कि हम काश IBA में पढ़ लें, IBA में एडमिशन मिल जाए। तो ये हम सब की एक ड्रीम होती थी, और जो लोग IBA चले जाते थे हम उनको बड़ा लुकअप करते थे कि भई ये तो IBA के स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम IBA alumni पे बात करेंगे अपने सेगमेंट व्हाट्स टोस्टिंग। जी, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वे यूनिक नेम बाय द वे, मलाहत अवान, डायरेक्टर अलमनाई अफेयर्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एट IBA कराची। अस्सलाम वालेकुम मलाहत। आई एम सॉरी, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मी थोड़ी देर के लिए। डू यू हैव एनी निकनेम? मीहू। ओके, चलो ठीक है। तो इट्स अ पर्शियन नेम। ओके, ये मली लफ्ज़ है जिसको नमक कहते हैं फारसी में। मली नमक। मलाहत। ओके, सो हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड यू लुक ग्रेट। थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम IBA, कि IBA एक्चुअली, IBA के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। जैसे आपने कहा, IBA नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वी हैव बीन अराउंड फॉर 70 ईयर्स। वी आर द ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल इन द बिजनेस, और पाकिस्तान में इस वक्त भी IBA का नाम एक आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है, यूज होता है। और वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द लेगेसी ऑफ द ब्रांड नेम दैट इट कैरीज विद इट। और इस वक्त भी अगर पाकिस्तान को आप गूगल करें और पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें,
तो आईबीआई का नाम सरे फहरिस्त है, बिल्कुल वी आर वेरी वेरी प्राउड। बिल्कुल, एंड अमंग ऑल द बिग यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक आईबीआई, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आईबीआई जब भी किसी ने एमबीए या जो भी हमारे टाइम पे होता था तो सबसे पहले एक आईबीआई का ख्याल आता था कि आईबीआई में हमने जाना है। अच्छा, आईबीआई की पहचान मेरिट पर हो या समझौता किसी चीज़ पर नहीं करती, इट्स ऑल अबाउट मेरिट, राइट? टेल मी अबाउट दैट प्लीज़। देखिए, मैं पहले तो आईबीए के बारे में कुछ मिथ्स हैं, हाँ जी, उनको अनपैक करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो पहला मिथ यह है कि आईबीए तो एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। वी आर नॉट, वी आर कम्प्लीटली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। तो वी आर अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, जो एक जो क्वालिटी है वो एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की दे रही है। सो पहली चीज़ तो ये। दूसरा मिथ हमारे बारे में ये है कि ओहो आईबीए तो बहुत महंगा है। हमारी फ़ी अभी भी, आई विल नॉट टेक नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट वी कम्पीट अगेंस्ट और हु कम्पीट अगेंस्ट अस, उनसे आधी है। तो ये भी दूसरा मिथ तो ये है। तीसरी चीज़ ये है कि आईबीए में वही बच्चा जा सकता है जो जिसकी बहुत डीप पॉकेट्स हों, जो अमीर का बच्चा हो जी। सो आई वॉन्ट टू शेयर हेयर आमना कि हमारे पास इस वक्त 5,000 बच्चा पढ़ रहा है। बिल्कुल, उसमें से तकरीबन 35% बच्चे स्कॉलरशिप्स में हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। रियली? सो दे आर ऑन ऑलमोस्ट 100% स्कॉलरशिप, 50% डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो हमारा एडमिशन जो है वो नीड ब्लाइंड है। आप अगर एडमिशन लेते हो, हम आपसे नहीं पूछते आप फ़ी दे सकते हैं या नहीं। अच्छा, एडमिशन लेने के बाद हम आपसे कहते हैं बाय द वे डू यू नीड फाइनेंशियल एड, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं सो वी हैव अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, हम देखते हैं कि आप अगर क्वालिफाई करते हो तो 100% देंगे। बट आप मुझे ये बताएं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, लाइक आप ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकते हैं? अगर इफ़ आई एम कमिंग टू यू एंड आई एम ब्रिंगिंग माई चाइल्ड एंड आई एम टेलिंग यू कि अच्छा जी मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती, तो हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज और देखते हैं? मैं अमना, आई एम सो ग्लैड आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल हमें हमारे वो दोस्त, हमारी वो कंपनीज जो हमें सपोर्ट करते हैं, जारी सी बात है वी आर बेस्ड, यू नो वी आर NPO, तो हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं, तो उनके लिए ये ट्रांसपेरेंसी, उनके लिए ये ड्यू डिलीजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो हमारा एक बहुत रोबस्ट ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस है, जिसके तहत आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट हम ये देखते हैं कि बच्चे की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, बच्चे के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसके भाई बहन क्या कर रहे हैं, वो किस इलाके में, उसका पूरा बैकग्राउंड, पूरा बैकग्राउंड, उस वो मोबाइल कौन सा यूज़ करता है। सो आफ्टर दिस इंटायर ड्यू डिलीजेंस फिर हम उसको फाइनेंशियल एड पे पार्क करते हैं। तो ये जब मैं इस ड्यू डिलीजेंस की का ब्रेकडाउन अपने डोनर्स से शेयर करती हूँ, भले पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, उनको बहुत अश्योरेंस मिलती है कि हमारा सिस्टम जो है वो मिसयूज नहीं हो रहा। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। वेलकम बैक वंस अगेन। मलाहत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फ्रॉम आईबीए, एंड मलाहत मुझे बताएं, हायर तालीम का किरदार पावर्टी फाइट करने में, ये जो सक्सेस स्टोरी है नदीम हुसैन साहब की, आफरीन, मुश्ताक एंड मुस्कान, प्लीज़ वो थोड़ी सी शेयर करें। देखिए, वी आर अ फर्म बिलीवर दैट द टिकट आउट ऑफ पावर्टी इज़ हायर एजुकेशन। आप प्राइमरी टर्शरी एजुकेशन पे जितना भी इन्वेस्ट करें, बच्चे को जॉब जब तक के पास, उसके पास एक एम्प्लॉयबल डिग्री ना हो अंडर ग्रेड की या ग्रेड की, तो वो उस पॉवर्टी के साइकिल से निकल नहीं सकता। ये जिन बच्चों का आपने नाम लिया, हम बहुत, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आर टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसके तहत हम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, हम टैलेंटेड और डिज़र्विंग बच्चों को खुद से रीच आउट करते हैं और उनको लेके आते हैं आईबीए में, 3 महीने उनके ऊपर काम करते हैं। हमारे पास वो बच्चे खुजदार से, डेरा बुक्ति से, वजीरिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। 3 महीने के बाद जब उनकी कैपेसिटी बिल्ड होती है, तो वो बच्चे लाइसियम्स और ग्रामेरियंस के बच्चों के साथ कम्पीट करते हैं, और उनमें से जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं फिर वो फुल स्कॉलरशिप के ऊपर आईबीए में पढ़ते हैं। ठीक है। और ये बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम वेरी मार्जिनलाइज्ड एरिया, आप सोचिए डेरा बुक्ति है, सुई है, खुजदार है, ये इलाके पोरेस्ट ऑफ द पोअर, जी जी, और यू नो बैकवर्ड हैं, उसके बावजूद ये बच्चे जब आते हैं, 4 साल के रिगर से गुजरने के बाद, जैसे आप हीरे को तराश देते हैं,
तो हीरा तो उनमें मौजूद है, उन बच्चों को हम तराश के पॉलिश करते हैं और ये जो हमारा गिविंग अपॉर्चुनिटी टू देम, गिविंग अपॉर्चुनिटी। और इसमें मैं आई फील दैट हमारा जो अलमनाई नेटवर्क है, अलमनाई के बारे में IBA का अलमनाई, वी हैव अलमनाई नेटवर्क ऑफ अबाउट 18,000 जो पूरी दुनिया में है इस वक्त माशाल्लाह। और आप यकीन कीजिए, इफ़ यू गूगल यू विल सी फ्रॉम सो मेनी बिग नेम्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स टू गवर्नर्स टू मिनिस्टर्स टू लीडर्स। इस वक्त आई वॉज गोइंग थ्रू आर डेटा बेस, इस वक्त 200 से ज़्यादा CEOs ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर हेडेड बाय IBA अलमनाई। सो इससे ज़्यादा हमारी क्वालिटी और हमारी एक्विटी क्या होगी? तो ये मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ अलमनाई जिस कंपनी में होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मेरिट पे ही, जारी सी बात है, दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन मेरिट, बट दे इनकरेज के IBA के बच्चे चूँकि अच्छे हैं, दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। एक चीज़ जो हमारे बच्चों के लिए ज़रूर कही जाती है, वेन एवर वी टॉक टू एम्प्लॉयर्स ऑन अ डेली बेसिस, तो वो कहते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट बहुत होता है और वो ही और शी इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कि हम उसको अगर कोई बैंक में भी है, और बैंक में हर यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, तो दे से योर किड्स आर वेरी वेरी एजाइल एंड दे आर क्विक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा अलमनाई के ही बारे में थोड़े सा हम बात करते हैं कि हाउ डू दे सपोर्ट स्कॉलरशिप्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एवरीथिंग। अच्छा अमना, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, एक मुहावरा है, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन पीपल। कोविड के दिनों में वी रीच्ड आउट टू अलमनाई अराउंड द ग्लोब एंड वी सेड कि इस वक्त वो लोग हु कुड पे कांट पे बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स एंड सो ऑन, सो वुड यू लाइक टू हेल्प। आई एम सो यू नो हैप्पी एंड आई एम सो ऑनर्ड कि 30 से ज़्यादा क्लासेस ने ओवर यू नो फ्रॉम द यू नो द ओल्डेस्ट टू द यंगेस्ट दे केम टुगेदर एंड दे सेट अप क्लास एंडाउमेंट फंड्स। तो क्लास एंडाउमेंट फंड इस तरह काम करती है कि अगर आपका ताल्लुक फॉर इंस्टेंस 2016 के आप बैच के ग्रेजुएट हैं, यू कम टुगेदर, यू फॉर्म अ फंड एंड देन फ्रॉम दैट फंड अ स्टूडेंट इज़ सपोर्टेड फॉर पोस्टेरिटी। मेरे ख्याल में इससे अच्छा सदका जारिया नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। आप अगर अपने किसी लव्ड वन के नाम पे स्कॉलरशिप सेटअप करें या अपने किसी क्लासमेट के या क्लास के, तो आप सोचिए, एक बच्चे को आप नहीं बढ़ा रहे, आप उसकी फैमिली को, उस कम्युनिटी को एक्सपोज, जो आपने बात की, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं। सो अलमनाई जो हैं वो हमारे पूरी दुनिया से IBA को सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल आपके इस चैनल के यू नो से मीडियम से। आई वांट टू थैंक दिस अलमनाई हु कम टुगेदर एवरी ईयर ईयर ऑन ईयर एंड सपोर्ट अस। ओके, सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एफिलिएशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टैनफोर्ड जी, सो हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर अकबर जैदी, ही वाज अ फुल प्रोफेसर, ही वाज हियर। सो अंडर हिज लीडरशिप वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो एक बहुत एक्साइटिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो इंशाल्लाह अगले महीने होने जा रही है। वी आर साइनिंग एन MOU विद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैनफोर्ड विल बी कमिंग टू पाकिस्तान। ओके, एंड दे विल बी सेटिंग अप अ डिज़ाइन लैब एट IBA। IBA इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो ये करने जा रही है। IBA इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो ये करने जा रही है, और उसके तहत हमारे फैकल्टी को, हमारे अलमनाई को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यू नो एग्जेक्टिव्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू लर्न अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग। सो डिज़ाइन थिंकिंग इज़ नॉट कि जी ये कोई यू नो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, इट इज़ हाउ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट कुड बी एनी प्रॉब्लम। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, अगले महीने हम स्टैनफोर्ड में सितंबर में वी आर साइनिंग दिस MOU। सैयद मुराद अली शाह साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे पेट्रन भी हैं IBA के, एंड ही इज़ ऑल्सो स्टैनफोर्ड अलम, तो ही इज़ गोइंग विद अस, ही इज़ साइनिंग द MOU ऑन IBA's बिहाफ, एंड वी आर होपिंग दैट दिस विल ओपन अप यू नो फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर आर यूथ इन पाकिस्तान। अच्छा, जो IBA में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, कि अगर हम मास्टर्स कर ग्रेजुएशन करें, जो भी करें मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, उसके अलावा बीच में कोर्सेज भी आते हैं कुछ, कैन यू टेल मी अबाउट दैट? सो वी हैव एन एग्जीक्यूटिव लर्निंग प्रोग्राम जो कि सेंटर है एग्जीक्यूटिव एजुकेशन का, उसके अंदर फॉर इंस्टेंस आपका चैनल है, सो वी ऑफर अ लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर लीडरशिप, फॉर नेगोशिएशन स्किल्स हैं, फॉर यू नो कस्टमर रिलेशंस हैं। सो बहुत सारी कंपनीज अपने बैचेस में
डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज़ SECP रिक्वायरमेंट, तो कंपनीज हमारे पास अपने एग्जेक्टिव्स को भेजती हैं मिड टीयर, एंट्री लेवल, सीनियर लेवल, और उनकी भी हम ट्रेनिंग करते हैं. सो अगेन वी ऑफर दैट टू यू नो टू कंपनीज अराउंड द ग्लोब. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. एक्चुअली लास्ट में कोई मैसेज यू वांट टू गिव आउट टू द व्यूअर्स प्लीज? जहरा निगाह का एक शेर है, इस उम्मीद पे दिया रोज जलाते हैं, आने वाले बरसों बाद भी आते हैं. तो मैं अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से बस रिक्वेस्ट ये करूँगी, IBA का आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस है, इसको नर्चर कीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए और इसको सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. और शेर जो आपने कहा ना, एक्चुअली वो बहुत रियलिटी है उसमें. एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक.